नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं अपने कोर्स को शुरू करती हूँ। आज का हमारा चैप्टर है लैंड पॉल्यूशन। इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है सोइल कंजर्वेशन, थर्ड है मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन, फोर्थ है सोइल इरोजन, फिफ्थ है टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, सिक्स्थ है अफोरेस्टेशन। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। लैंड पॉल्यूशन पृथ्वी की भूमि की सतहों का डिग्रेडेशन क्षरण है, जो अक्सर ह्यूमन एक्टिविटीज़ और लैंड रिसोर्सेज के दुरुपयोग के कारण होता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज या कारण के बारे में। फर्स्ट है अनब्रेनेशन में वृद्धि, सेकंड है एग्रीकल्चर लैंड में वृद्धि, थर्ड है डोमेस्टिक वेस्ट, फोर्थ है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। एसिड रेन ट्री और अदर प्लांट को किल कर देती है, वेजिटेशन जो फूड है एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है फसलों को नुकसान। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, वर्क्स किल द ट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसिड रेन, जिसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 5 पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोइल कंजर्वेशन के बारे में, यानी मृदा संरक्षण के बारे में। सोइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण सोइल मिट्टी की सतह से क्रॉक्ड टेढ़े होने की प्रिवेंशन रोकथाम के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का सेट है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल कंजर्वेशन के बारे में। फर्स्ट है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है रिसाइकल फिल्टर वाटर स्टोर वाटर, थर्ड है सोइल अर्थ पर फाइल का बेस लाइफ का बेस, फोर्थ है प्लांट को सोइल से न्यूट्रिशन एलिमेंट्स मिलते हैं और ग्लूकोज और O2 प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स सोइल कंजर्वेशन में कवर क्रॉप के बारे में। कवर फसल करीब करीब बढ़ने वाली फसलें हैं, जो मृदा संरक्षण को बीज संरक्षण और मिट्टी में सुधार प्रदान करती है। प्लांट ट्री, यह तथ्य है कि ट्री को रूट्स सोइल मिट्टी पर मजबूती से टिकती है, क्योंकि पेड़ लंबे होते हैं और वे मिट्टी में गहराई तक जड़ें जमाते रहते हैं। जैसे कि पेड़ की जड़ मिट्टी की परत में गहरी फैलती है, वे मिट्टी के कटाव को रोकने में योगदान करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेंस फॉर्मिंग के बारे में। ट्रेंस का गठन, इस गठन में क्षरण के लिए अच्छी विधि एक ढलान वाली भूमि में कई स्तरों समतल क्षेत्रों को चरणों की एक श्रृंखला के समान बनाती है। नो टिल फॉर्मिंग, जब तक नई सामग्री नहीं लगाते तब तक पुरानी सामग्री क्राइटल्स केप के पत्तों को पीछे छोड़ते हुए पुराने पौधों को मिट्टी में पकड़े जब तक कि नए पौधे न उगें। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है कंट्रोल सोइल इरोजन, सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन, थर्ड है इंक्रीज सोइल ऑर्गेनिक मैटर, फोर्थ है डिक्रीज सोइल इवेपोरेशन, फिफ्थ है रिड्यूस विंड इरोशन। अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के बारे में। एक मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है, जहां दो या अधिक फसलें एक ही खेत में बराबर उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। रिड्यूस इरेशन, सेकंड है इंक्रीज प्लांट बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है ओवरऑल इंक्रीज हेल्थ ऑफ क्रॉप, फोर्थ है इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, हेल्प इन सोइल प्रोटेक्शन। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कवर क्रॉप, जिसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 8 पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोइल इरोशन यानी मृदा अपरदन के बारे में। भूमि मिट्टी की ऊपरी तरह की धुलाई या बहने वाली पानी की हवा द्वारा होती है। कटाव पानी हवा के द्वारा होता है। इसमें तीन विशिष्ट क्रिया शामिल करें। पहली है सोइल अटैचमेंट, दूसरी है सोइल मूवमेंट, तीसरी है सोइल डिपोजिशन।
अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल इरोशन यानी भूक्षरण के बारे में। इरोशन कटाव का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटिंग करने वाली एक नॉर्मल प्रोसेस नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड की एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये इन करने से होता है जिसमें रेनफॉल, रन ऑफ, विंड, एटमॉस्फेयर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं एसिलेटेड इरोशन के बारे में यानी त्वरित कटाव के बारे में। मानव निर्मित गतिविधियों के कारण है जो प्राकृतिक आवरण और मिट्टी की स्थितियों में बदलाव लाए हैं। पहला है फसल उगाने के लिए भूमि की तैयारी, दूसरा है घर उद्योगों के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग शक्ति शामिल है। ये दो प्रकार के होते हैं, विंड इरोजन्स और सेकेंड है वाटर इरोशंस। अपन बात करते हैं विंड इरोशंस के बारे में। ये प्राइमरी और डेजर्ट एरिया के क्रिएशंस हैं, मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं। वाटर इरोशंस बारिश की बूंदों का प्रभाव और कटाव का कारण बनता है। सोइल पार्टिकल्स को क्लियरिंग, स्क्रैपिंग और ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए पानी को बंद करें। वाटर वेव्स बैंक और रिजर्वायर के किनारों के कटाव का कारण बनती है, जो निम्न प्रकार है। पहली है शीट इरोजन्स। शीट इरोजन्स बारिश की बूंदों के छींटे से मिट्टी का मूवमेंट होता है और पानी से निकल जाते हैं। सेकंड है रिल इरेशंस। सामान्य तौर पर शीट फ्लो को बहुत छोटे निश्चित चैनल द्वारा किया जाता है, जिसे इंटीरियल कहा जाता है। इंटरनल के माध्यम से मिट्टी के कटाव और जमाव की प्रक्रिया का प्रस्ताव है। अब हम बात करते हैं गुली इरेशंस के बारे में। रील साइज़ और डेप्थ में स्मॉलर होते हैं और ऑपरेशंस द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यदि इनकी शुद्धता लंबी हो जाती है तो दरारें आकार में बड़ी हो जाती है और नष्ट हो सकती है। फोर्थ है लैंडस्लाइड इरोशंस यानी भूस्खलन अपरदन के बारे में। इस कटाव में मिट्टी के किनारे मोटे तौर पर कटाव होते हैं। कटाव की समस्या ए है कृषि परिस्थितियों का नुकसान, बी है पोषक तत्वों की हानि, सी है मरुस्थलीकरण। अब हम बात करते हैं एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण के बारे में। यह जंगल की स्थापना की प्रोसेस है। यहाँ पहले कोई जंगल नहीं था, यह पेड़ लगाकर या उनके बीजों को उगाकर किया गया जाता है और देखभाल तब तक जारी रहती है जब तक कि पेड़ समग्र रूप से एक जंगल नहीं बन जाता। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण के महत्व के बारे में। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन बनाए रखने के लिए अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन, प्रदूषण को रोकना भी महत्वपूर्ण है। एफोरेस्टेशन एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में मदद करता है। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन अफोरेस्टेशन, जिसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 19 पर देख सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और हाँ लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।